Hello everyone, welcome to another session of Communication Skills. तो आज का सेशन है हमारा सेशन 4, राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच. तो अभी तक हमने अपने पिछले सेशंस में सेशन 1, 2 और 3 में वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज इन सब के बारे में डिस्कशन किया. आज हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का. और ये क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़ना सीख रहे हैं, तो हमें इंग्लिश में क्या किन चीजों का ध्यान देना होता है, क्या करना होता है, वो हम करेंगे. सो व्हेन वी टॉक और राइट इन इंग्लिश, वी यूज सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ्स. जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश में हम वाक्य बनाते हैं, जैसे हिंदी में हम वाक्य बनाते हैं. सेंटेंसेस आर इंपॉर्टेंट because if you do not write clear sentences, then the meaning of the same cannot be understood clearly. So, aap spasht roop se agar sentence nahi banayenge, to uska matlab bhi sahi nahi niklega. A sentence is a group of words that communicates a complete thought. For example, Raju goes to school. A group of words which does not make complete sense is known as a phrase. For example, Raju goes. तो जैसे सेंटेंस हमने दिया राजू गोज टू स्कूल, ये पूरा एक वर्ड्स का एक ग्रुप है जो एक सेंस बना रहा है. पर जब आप बोल रहे हैं राजू गोज, तो वो कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कुछ भी नहीं पता लगता, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं. और सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और कभी क्वेश्चन मार्क से एंड हो सकता है, फुल स्टॉप से हो सकता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क से हो सकता है. तो आइए थोड़े एग्जाम्पल्स देखते. Did you work on your project? I completed it yesterday. That is good. तो ये हो गए हमारे examples जिसमें sentences हैं, complete words आपके मतलब बना रहे हैं, और आपके question mark, full stop और exclamation mark सब के साथ. तो आइए देखते हैं using capitals. Sentences begin with capital letters. तो capital letters हमें कब कब use करने हैं, क्या मालूम है आपको? तो अभी मैं सोच सकती हूँ कि आप सब जवाब दे रहे होंगे. तो एक इजी तरीका है इसको याद रखने का, इफ यू रिमेम्बर द वर्ड मिंट्स, MINTS. तो एक सिंपल रूल है ये, और मिंट्स का हर एक शब्द आपका कैपिटलाइजेशन रूल को बताता है. जैसे आपका ये रहा मिंट्स, ठीक है. तो अल्फाबेट एम मंथ के लिए है, तो आपके हर एक मंथ का आप नाम कैपिटल में लिखेंगे. मंथ जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये सब कैपिटल होगा. फिर हम बात कर रहे हैं आई, लेटर आई. जब अपने बारे में बात करते हैं तब कैपिटलाइज करना है हमें लेटर को. और एन नेम्स, किसी का भी नाम हो, पीपल, प्लेसेस, डेज, तो उसका नाम भी हम कैपिटल में लिखेंगे. टाइटल्स, अगर किसी के नाम के आगे कोई टाइटल आता है तो उसको भी हम कैपिटल लिखेंगे. और हर सेंटेंस हम कैपिटल से शुरू करेंगे. आइए एग्जांपल देख लेते हैं. एम में हमारा है आई विल गो टू कॉलेज इन जून, तो जे कैपिटल हो गया. आपका आई में आई प्ले टेनिस विद हिम एवरी डे. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, दिस ट्यूजडे विद्या विल बी इन राजस्थान. तो ट्यूजडे डे हो गया, पर्सन हो गई विद्या, जगह हो गई राजस्थान. टाइटल्स जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर शाह का डी, मिस्टर पटेल का एम, वो भी कैपिटल हो गया, नाम तो कैपिटल है ही. और जब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं तो द कैट रैन आउट ऑफ द हाउस, तो द का टी कैपिटल हो जाता है. अब हम बात कर रहे हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स. ये भी आपने इंग्लिश में किया होगा पहले, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, विच हेल्प्स अस टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग. तो जैसे हिंदी में आपने सीखा है रोको मत, जाने दो, इसमें कहां पे आप अपना कॉमा लगाते हैं, कहां पे फुल स्टॉप, उससे मतलब बदल जाता है. अगर रोको के बाद कॉमा है तो रोको मत जाने दो, और अगर आप मत के बाद लगाते हो तो रोको मत
जाने दो, तो मतलब जैसे हिंदी में बदलता है वैसे ही आपके पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप और कॉमा, ये भी आपके इंग्लिश में सेंटेंसेस को अलग करते हैं। तो आपका अपर केस लेटर्स, पंचुएशन, ये सब बहुत जरूरी होता है। तो पंचुएशन मार्क्स के हम देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो है हमारा फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब है? हाँ, हमारा सेंटेंस एंड हो गया है। और कई बार शॉर्ट फॉर्म भी दिखाने के लिए होता है, जैसे डॉक्टर आपने लिखा तो उसका शॉर्ट फॉर्म डीआर लिखा तो हमने वहां डॉट लगा दिया, और एग्जांपल हो गया दिस इज अ सेंटेंस फुल स्टॉप, दिस इज अनदर सेंटेंस फुल स्टॉप, संजय इज अ डॉक्टर फुल स्टॉप, हिज पेशेंट्स कॉल हिम डॉक्टर संजय। फिर हमने बात करी कॉमा की। कॉमा हम यूज करते हैं जब सेंटेंस में हम सांस ले रहे हैं, है ना, जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक रोक लगा रहे हैं वहां पे। सो आफ्टर द वेटर गेव मी अ मेनू आई ऑर्डर्ड फूड, तो जहां पे आप रुकते हैं वहां पे लगा कॉमा। और कॉमा हम आइटम्स को भी सेपरेट करने के लिए लिखते हैं जब हम एक से ज्यादा आइटम्स लिखते हैं, जैसे आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम तब यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लिखित में हम कैसे दिखाएंगे उसको एक क्वेश्चन मार्क, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। एक्सक्लेमेशन है जब कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें दिखाना है, सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, एंगर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यू आर लेट, तो हम जब ऐसे चीजें कुछ बोलते हैं तो एक्सक्लेमेशन। अपोस्ट्रोफी है, ये हम दिखाते हैं किसी और का है, जैसे दिस बिलोंग्स टू दिव्या, अगर हमें बोलना है तो दैट इज दिव्याज पेन, हम एक अपोस्ट्रोफी और एस लगा देते हैं, आदि इज अब्दुल्स बुक्स। और कई बार हम छोटा भी करने के लिए, तो लेट अस गो हमने कर दिया लेट्स गो, ही इजंट हियर इंस्टेड ऑफ ही इज नॉट हियर। तो अब हम आते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नया नहीं है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और इनको अलग अलग तरीके से आप एक सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट हो आपका सेंटेंस। तो जैसे नाउन्स हो गए आपके नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, आपके प्रोनाउन्स हो गए आई, यू, ही, शी, आपके एडजेक्टिव्स हो गए सार, स्वीट, स्पाइसी, सॉल्टी, आपके वर्ब्स हो गए फॉल, पीच, और एडवर्ब्स हो गए ईट स्लोली, साइन लाउडली, इसको शायद सिंग लाउडली होना चाहिए। तो आपका जो नाउन रहता है वो एक वर्ड है फॉर अ प्लेस, पर्सन, थिंग और आइडिया। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल द, एन और ए या अ जिसको बोलते हैं, बट नॉट ऑलवेज। प्रोनाउन होता है जब आप नाउन के बदले उसको यूज करते हैं, वर्ब है आपका एक्शन या बीइंग वाला वर्ड, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब आपके वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब को। प्रेपोजिशन है नाउन से पहले आता है या प्रोनाउन से पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए, कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ता है, और इंटरजेक्शन है टू एक्सप्रेस इमोशंस। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं अलग अलग जो हमारे टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं उसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह। तो सम एग्जांपल्स आर नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। ये आइए एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या करता है? नाउन इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, आइडिया और थिंग, दे आर नेमिंग वर्ड्स। तो रीमा रोट अ लेटर, रीमा और लेटर दोनों नाउन्स हैं। एग्जांपल्स जैसे डॉग, टेबल, इंडिया, संजय। प्रोनाउन है नाउन के जगह आप यूज कर रहे हैं, जैसे रीमा रोट अ लेटर, तो हमने रीमा इज टायर्ड के बजाय हमने कह दिया शी इज टायर्ड। तो ये और एग्जांपल्स हैं इसके, आई, दे, ही, यू। फिर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की, ये वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर, तो लॉन्ग इसमें एडजेक्टिव है जो लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है।
स्मॉल, ब्लू, शार्प, लाउड, ये और अलग तरीके के एडजेक्टिव्स हैं। वर्ब्स हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो क्रिया कहते हैं हम हिंदी में। रीमा रोट अ लेटर, तो रोट यहाँ पे वर्ब है, ये बता रहा है कि रीमा ने क्या एक्शन किया। और एक्शन वर्ड्स हो गए हमारे रन, ईट, थिंक, सिट। एडवर्ब जो है हमारे, वो बताते हैं ये वर्ब्स के बारे में और जानकारी। तो जैसे हाउ, हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर। रीमा क्विकली रोट अ लेटर, तो उसने फटाफट लिखा लेटर, तो वो एडवर्ब हो गया। क्विकली इज एन एडवर्ब। इजिली, ऑलवेज, इनसाइड, बिफोर, ये और हो जाते हैं। तो आइए एक सेंटेंस देख लेते हैं। वाओ, रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। वी ऑलरेडी नो रीमा, स्टूडियो, एक्टर, ये सारे नाउन्स हैं। फेमस एडजेक्टिव है क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहा है। वर्ड्स वेंट एंड मेट, ये हमारे वर्ब्स हो गए और ये एक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बाकी जो वर्ड्स हैं, वाओ, टू, द, एंड, ये हमारे सपोर्टिंग वर्ड्स हैं। तो ये हमारे मेन वर्ड्स जो होते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको जोड़ के रखते हैं और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे सपोर्टिंग वर्ड्स। तो सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जो होते हैं, वो होते हैं आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और इंटरजेक्शंस। आर्टिकल्स हो गए जैसे ए एंड द। सेंटेंस के दो सेंटेंसेस या टुकड़ों को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस हो गए। प्रेपोजिशंस हैं इन, ऑन, अंडर, और इंटरजेक्शंस हैं आपके जो भी एक्सक्लेमेशंस हो। तो जब हम बात कर रहे हैं मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की, हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स जो है ए एंड द, इनको नाउन से पहले यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है द कार स्टॉप सडनली बिकॉज अ कैट रैन इन फ्रंट ऑफ इट, अ बुक, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, द सन। तो एन है जिसके सामने भी वाउल वर्ड्स आते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू साउंड वाले, उनके आगे यूज करते हैं। अ आपके कॉन्सोनेंट साउंड में आते हैं और द आपके स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड्स के। फिर कंजंक्शन आते हैं हमारे, जो जोड़ते हैं दो नाउन्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को, जैसे एंड और बट। तो इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट, आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट। सो शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। सो इंस्टेड ऑफ शीला वेंट टू द मार्केट एंड आई ऑल्सो वेंट टू द मार्केट, हमने सेंटेंसेस जोड़ दिए। तो हमने बना दिया उसको शीला वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ के शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट। अब एक और सेंटेंस है, डू यू वॉन्ट ऑरेंजेस, डू यू वॉन्ट एप्पल्स, इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बनाया, डू यू वॉन्ट एप्पल्स और ऑरेंजेस। अब आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन रिश्ता दिखाता है वर्ड्स के बीच में। दे यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर, वेन एंड हाउ। सम कॉमन प्रेपोजिशन आर ऑन, एट, अंडर एंड इन। The cat is on the roof. The shop is at the end of the road. Rahul is sitting under the tree. So cat is on the roof. कहाँ है cat? Roof के ऊपर. Shop is at the end of the road. कहाँ है? At the end of the road. Rahul is standing under the tree. कहाँ है वो? Under the tree. और मैं कहाँ रहती हूँ? I live in Delhi. तो ऐसे आपके sentences का ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वेयर, व्हेन एंड हाउ। और इंटरजेक्शंस वो वर्ड होते हैं जो आपके हैप्पीनेस, सरप्राइज या एंगर, पेन बताते हैं। जैसे वाओ, ओह, ओह नो, थैंक्स, हेल्प। तो हेल्प आप चिल्लाते हैं, तो उसके एंड में आप जब लिखते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आई होप अभी तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच देना है, देखना है उसमें कौन कौन से हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर आपको पैराग्राफ में प्रॉपर पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन करना है। तो ये आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। उसके बाद आपका अलग एक्टिविटी है, वो भी आप देख सकते हैं कि आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। और यहाँ पे एक और एक्टिविटी के बाद आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है,
सेंटेंस क्या होता है, अपर केस लेटर्स में कौन से सेंटेंसेस हमें लिखने चाहिए, और ये सेंटेंसेस आपके ढंग से पंचुएटेड है कि नहीं। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। और इन सेंटेंसेस में आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब ये भी मार्क करने हैं। और यहाँ पे आपके और क्वेश्चंस आ गए फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हो गए, इन सब में कंजंक्शन और प्रेपोजिशन कौन से हैं, इनको सेंटेंसेस के साथ आपको जोड़ना है। तो इसके साथ ही आपका ये वाला सेशन खत्म होता है। आज आपने क्या सीखा, कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन रूल्स, आपने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, नाउन्स होते हैं, प्रोनाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स, आपने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेज के बारे में सीखा, और आपने सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस एंड इंटरजेक्शंस, वो भी सीखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा। इसके साथ ही आप अपने आप को अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।